नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंट इंडिया और सीधे कनेक्शन करते हैं आपके साथ बॉलीवुड की दुनिया की ओर। शादी की खबरें तो लगातार टीवी दुनिया से आ रही हैं। अब एक और शादी आ रही है और जिनकी शादी है उनकी शादी में आप लोगों को भी डांस करना है। बता दें, टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी अब शादी करने जा रही हैं। अगर नहीं पहचाना तो हम बता देते हैं, कलर्स के शक्ति की प्रीतु दोबारा शादी करने जा रही हैं। काम्या दिल्ली के रहने वाले शलभ डांग से शादी करने वाली है, लेकिन इससे पहले उनकी एक और शादी हो चुकी है। साल 2003 में काम्या ने बिजनेसमैन बंटी नेगी से शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और साल 2013 में दोनों अलग हो गए। अब एक बार फिर काम्या शहनाई बजाएगी अपने घर में, पर इस साल नहीं 2020 में। तो तैयार हो जाइए काम्या की शादी में डांस करने के लिए। काम्या अगले साल शादी करने जा रही है। अपनी लव स्टोरी को लेकर काम्या ने बताया, मैंने शलभ को फरवरी में तब कांटेक्ट किया जब मेरे एक दोस्त ने मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर उनसे बात करने को कहा। हमने करीब 1.5 महीने तक बात की और उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। शादी करना मेरे लिए एक बड़ा फैसला था, इसलिए मैंने इस बारे में सोचने के लिए पूरा समय लिया। एक नाकाम शादी और कई बार दिल टूटने के बाद शादी और प्यार के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। एक समय ऐसा था जब मैं शादी के खिलाफ थी, लेकिन शलभ ने शादी में मेरा विश्वास जगाया और अब मैं फाइनली उनसे शादी करने जा रही हूँ। बॉलीवुड के सुपरस्टार खिलाड़ी अक्षय कुमार हमेशा अपनी फिल्में और अपनी दरिया दिली की वजह से सोशल मीडिया पर छाए हुए रहते हैं। हाल ही में अक्षय कुमार ने सारागढ़ी दिवस पर वे काफी इमोशनल नजर आए। अक्षय कुमार ने 36वीं सिख रेजिमेंट के उन 21 जांबाज को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश की आन की खातिर 10,000 दुश्मनों को धूल चटा दी थी। सारागढ़ी का युद्ध लड़ने और जीतने वाले इन्हीं जांबाज जवानों पर अक्षय की फिल्म केसरी बनाई गई है। अब 1897 में सारागढ़ी में लड़े गए युद्ध के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी फिल्म केसरी का एक पोस्टर शेयर किया है। इस ट्वीट में अक्षय कुमार ने उन बहादुर 21 सैनिकों को याद करते हुए लिखा है, 36वीं सिख रेजिमेंट के वीरों को मेरी श्रद्धांजलि, 10,000 के खिलाफ 21, एक बलिदान जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों और हमारे दिलों में अमीट छाप छोड़ गया है। मेरी ओर से 36वीं सिख रेजिमेंट के बहादुरों को श्रद्धांजलि। अगर फिल्म केसरी की बात करें तो 22 मार्च को रिलीज हुई फिल्म केसरी ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया था। अक्षय कुमार ने फिल्म में मुख्य भूमिका भी निभाई थी। भाई, अब गोविंदा के बाद दूसरे कुली बनेंगे वरुण धवन और दूसरी करिश्मा बनेगी सारा अली खान। यानी कि फिल्म 1995 में आई फिल्म कुली नंबर 1 का रिमेक बनने जा रहा है। इस फिल्म को भी डेविड धवन ने ही डायरेक्ट किया था और अब इसके रिमेक को भी डेविड धवन ही डायरेक्ट करेंगे। बता दें, इस फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है। आए दिन इस फिल्म से जुड़ी खबरें सामने आती रहती है, पर अभी हाल ही में इस फिल्म के सेट पर कुली नंबर 1 की टीम ने एक ऐसी तस्वीर शेयर कर दी जिसे देख पीएम मोदी भी खुश हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तारीफें मिल रही है इस पोस्ट को। उन्होंने वरुण धवन का पोस्ट शेयर करते हुए ट्विटर पर इस टीम की तारीफ कर डाली। ये कोई आम तस्वीर नहीं थी, बल्कि इसके जरिए मोदी सरकार के एक इनिशिएटिव को प्रमोट किया गया था। फिल्म कुली नंबर 1 के लीड एक्टर यानी कि वरुण धवन ने फिल्म के सेट को प्लास्टिक मुक्त बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने टीम के कई मेंबर्स के साथ एक तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने बताया कि टीम अब प्लास्टिक के बजाय पानी पीने के लिए स्टील की बोतलों का उपयोग करेगी। तस्वीर में सभी लोग सफेद रंग की स्टील की बोतलें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट में उन्होंने #कुली नंबर 1 के # के साथ पीएम को टैग किया था। वहीं इस तस्वीर को जैसे ही पीएम मोदी ने देखा तो कुली नंबर 1 की टीम की इस खास पहल की जमकर तारीफ की। उन्होंने ट्विटर पर वरुण धवन का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, कुली नंबर 1 की टीम की शानदार पहल, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि फिल्मी दुनिया भी भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने में प्रयासों में योगदान दे रहा है। इस पहल के साथ ही फिल्म कुली नंबर 1 का सेट पहला प्लास्टिक मुक्त बॉलीवुड फिल्म
सेट हो गया है। यही चीज मेरे को अच्छा नहीं लगता। अरे मत छोड़ो यार। हॉट सेक्सी और मिर्च मसाला तो बॉलीवुड में आम बात सी हो गई है। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस अपनी हॉट तस्वीरों को शेयर कर लोगों को अपना दीवाना बना लेती है। अब इसी कड़ी में आशिकों को दीवाना बनाने के लिए मलाइका अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर एक टॉपलेस फोटो शेयर कर सोशल मीडिया पर आग लगा दी। इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में मलाइका समंदर में टॉपलेस नजर आ रही है। इस तस्वीर में सिर्फ उनकी बैक साइड ही दिखाई दे रही है। मलाइका ने अपनी इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, @getrepostwiththeeternalmalaika #archives। पर अब उन दीवानों के लिए एक बात यह है कि यह तस्वीर उनकी अभी की नहीं बल्कि 18 साल पुरानी है। मलाइका की यह तस्वीर 18 साल पुरानी है जिसे एक फोटोग्राफर ने शेयर किया है। वहीं मलाइका ने इसे रिपोस्ट किया है। तस्वीर में मलाइका को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो 18 साल पहले जितनी फिट और हॉट थी आज भी वैसी ही हैं। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की मोस्ट अवेटेड फिल्म ड्रीम गर्ल कल बॉक्स ऑफिस पर फाइनली रिलीज होने जा रही है। लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने से पहले बुधवार को फिल्म स्टार्स के लिए खास स्क्रीनिंग रखी गई। इस फिल्म को देखने के बाद कई सेलेब्स ने फिल्म को सुपरहिट बताया और आयुष्मान की एक्टिंग की भी खूब तारीफें की हैं। बॉलीवुड सितारे ड्रीम गर्ल को देखने के बाद अपनी सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ड्रीम गर्ल की स्क्रीनिंग में आयुष्मान खुराना अपनी फैमिली के साथ पहुंचे। वहीं दूसरी ओर एक्ट्रेस नुसरत भरूचा भी स्क्रीनिंग में काफी खूबसूरत नजर आई। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना पूजा बनकर सबके चेहरे पर हंसी जरूर ला देंगे। फिल्म ड्रीम गर्ल में आयुष्मान खुराना और नुसरत भरूचा की जोड़ी को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। कल बड़े पर्दे पर आयुष्मान और नुसरत की फिल्म धमाका करने जा रही है। इस फिल्म को रिएक्शन देते हुए शशांक खेतान ने लिखा, ये फनी और अच्छी फिल्म है। वहीं दूसरी ओर तरण आदर्श ने इस फिल्म को 4 स्टार दिए हैं।
टेलीविजन की दुनिया से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक्ट्रेस प्राची देसाई 12 सितंबर को अपना 31st बर्थडे मना रही है। प्राची देसाई ने एकता कपूर के सीरियल कसम से टीवी करियर की शुरुआत की थी। पहले ही सीरियल ने प्राची को सफलता मिली और उन्हें टीवी से बॉलीवुड तक पहुंचा दिया। प्राची की पहली फिल्म रॉक ऑन तो सुपरहिट हुई, लेकिन उसके बाद उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। प्राची को बॉलीवुड में आए करीब 11 साल हो चुके हैं और इस सफर में उनके साथ कई विवाद भी जुड़े। रॉक ऑन फिल्म के बाद प्राची कई सारी फिल्मों में नजर आई। इन फिल्मों में लाइफ पार्टनर, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तेरी मेरी कहानी, बोल बच्चन जैसी कई फिल्में शामिल है। इन सभी फिल्मों को ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला है। इन फिल्मों के बाद प्राची ने कुछ अलग करने का फैसला किया और एक विलन फिल्म में वो आइटम नंबर करते हुए नजर आई। प्राची देसाई के करियर की यदि बात करें तो प्राची ने कसम से सीरियल के अलावा रियलिटी शो झलक दिखला जा में बतौर कंटेस्टेंट भी नजर आई थी। आखिरी बार प्राची शॉर्ट फिल्म कार्बन में नजर आई थी, जो कि कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। अब खबर आ रही है कि प्राची मलयालम फिल्म मामनगम में नजर आएंगी। तो ऐसी बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के साथ हम आपके सामने हर रोज हाजिर होते रहेंगे और आपका सीधे कनेक्शन करवाते रहेंगे बॉलीवुड से। आप देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।